अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, जी सब बच्चों को आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कुछ एमसीक्यूज पूछने थे, वो पहले बता दें जरा ताकि वो कर लें, हम फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। एमसीक्यू नंबर्स बता दें तो मैं वो करवा दूं आपको। जी बेटा, एमसीक्यूज जल्दी बता दें नंबर्स देखकर। अच्छा उमर भाई, और आपको ना टॉपिक बताना पड़ेगा किस टॉपिक का एमसीक्यू पूछ रहे हैं। जैसे इखलास भाई ने लिख के भेजा है कि वो 23 और 28 ली चैटलियर से भेज रहे हैं पूछ रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से पूछ रहे हैं, तो मैंने करवा रहा हूँ। तो हर कोई जो है ना, जरा अपने एमसीक्यू के आगे बताए कि वो किस टॉपिक का एमसीक्यू पूछ रहा है। तो इखलास भाई का 23 और 28। जी इखलास भाई, 23 23 में पूछा है कौन सी बात ठीक है। सही है। तो सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो हैबर प्रोसेस है ना, हैबर प्रोसेस वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ N2+3H2 रिवर्सिबली फॉर्मिंग 2NH3। ये चाहे आप वर्किंग अपने पास कहीं लिख लें, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो 500 डिग्री कंपेयर टू 400 डिग्री, 500 डिग्री पर क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट होगा और कम प्रोडक्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो एंडोथर्मिक साइड फेवर होगी। और 400 पे कम हो जाएगा रिएक्टेंट और बढ़ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्योंकि अमोनिया एक प्रोडक्ट है तो 400 पे ज्यादा होना चाहिए। तो 400 पे ज्यादा होने का मतलब है ये वाले डायग्राम सही है और ये वाली डायग्राम सही है। ठीक है, इस हिसाब से ये वाली डायग्राम गलत है और ये वाली डायग्राम गलत है। 400 पे अमोनिया ज्यादा होना चाहिए 500 से। इखलास भाई, ये बात समझ में आई आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से? जी सर। फिर इंक्रीजिंग द प्रेशर का रूल ये है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर लेस मोल्स, यहाँ पे मोल्स कम है वो फेवर होते हैं। लेस मोल्स किसके हैं? लेस मोल्स अमोनिया के हैं। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया इंक्रीज यहाँ हो रही है, यहाँ तो डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज तो गए। प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया इंक्रीज होना चाहिए, डी आंसर हो। जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई एक्सिस भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे अमोनिया है।
सही है खलास भाई? जी सर। अच्छा, आपने 23 के बाद पूछा है 28, तो 28 में इन्होंने आपसे बोला है कि जो बीच वाला कंटेनर है जिसमें हेबर प्रोसेस हो रहा है, अगर वो ए और बी वाले जो वेल्व्स हैं ने खोल दें, तो ए से खोलने से क्या होगा, एक खाली कंटेनर साथ में जुड़ जाएगा। खाली कंटेनर जुड़ने का मतलब है आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है प्रेशर कम हो जाएगा, तो ए खोलने का मतलब हुआ प्रेशर कम करना। इखलास भाई, ये बात समझ में आई? प्रेशर जी सर। कम करने से कौन सी साइड फेवर होती है, ज्यादा मोल वाली और ज्यादा मोल्स कहाँ है, एक्टिव तो उससे अमोनिया कम हो जाएगी, उससे अमोनिया। तो जाएगी। आपका जो सवाल है, विच एक्शन वुड अलाउ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर टू कंटेन मोस्ट अमोनिया, तो ए खोलने से तो अमोनिया क्या हो रही है भाई, ए को मत खोलें, ठीक है। बी को खोलने से क्या होगा, एक तो वो वाली बात होगी जो कंटेनर में तो जाएगा ही जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वही वाला मसला है दोबारा से, पर साथ में उसमें लिथियम पड़ा हुआ है। लिथियम के बारे में इन दो लाइनों में लिखा हुआ है कि ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सॉलिड लिथियम नाइट्राइड, मतलब लिथियम क्या करता है, नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है। तो अगर राइट वाले कंटेनर में मिक्सचर जाएगा तो पहली बात तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वही वाला मसला जो ए के साथ था, साथ में रिएक्टेंट रिमूव हो जाएगा, रिएक्टेंट रिमूव होने से मजीद रिएक्टेंट फॉर्म होता है, इन दोनों कामों से अमोनिया कम हो जाएगी, तो ना आपको ए को खोलना चाहिए ना आपको बी को खोलना चाहिए, दोनों को बंद रखना चाहिए। ए आंसर है आपका, चाहिए खलास भाई? ठीक इसके अलावा बच्चों ने दोबारा से बता दिया कि उमर भाई भी जो है वो ली चैटलियर का 21 पूछ रहे हैं, और एक 18 भी ली चैटलियर का ही पूछा गया है, तो 21 पे जाते हैं पहले। जी उमर भाई, 21 में आपसे पूछा है, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिलो इज ट्रू, कौन सी बात इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में सही है। कह रहे हैं इंक्रीज इन एसिड कंडीशंस, एसिड बढ़ा दो। उमर भाई, एसिड बढ़ाने का मतलब होता है इसको बढ़ा दो, तो इक्वेशन किस तरफ चली जाएगी, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे प्रोडक्ट की तरफ, तो विल इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Cr2O7, बिल्कुल सही है, ये बढ़ेगा, ये सही है ना? सर, इसका बी सही नहीं है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन वाला? किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है आपके हिसाब से? क्रोमियम का। निकालें, Cr04 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और Cr2O7 2- में क्या है? यहाँ पे -8 बचना चाहिए था ना चार ऑप्शन की वजह से, तो यहाँ क्या हुआ +6, एग्री? जी सर, सही, वो मैं गलत लिख लिया था, मैंने +8 कर लिया था इसको। उसके अलावा एक अदद सवाल हमारे पास आया हुआ है ली चेटियर का 18, कह रहे हैं कि कौन सी बात ठीक है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सबको पता है कि एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है, ये लिख लें अपने कॉपी के ऊपर, एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है, एंडोथर्मिक साइड ये रही, दिस वन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये साइड एक्सो है, तो उससे अमोनिया कम हो जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, तो इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात ही नहीं की, इन्होंने रेट की बात की, किसकी बात की है, इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया था, इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं रेट की बात की, हर ऑप्शन में रेट की बात की, रेट 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 मतलब स्पीड, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, तो मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से, टेम्परेचर, क्योंकि रेट की बात हुई है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज होती है, और वो दोनों साइड की इंक्रीज होती है, काफी बच्चे ये नहीं समझ पाते, इससे फॉरवर्ड बैकवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों रिएक्शन तेजी से होंगे, तो ए आंसर है।
दोनों स्पीड से होंगे, ठीक है। सिक्सटीन में इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या करने से HOCl ज्यादा बनेगा। पहली बात ये इक्वेशन भूल जाएं क्योंकि ये इक्वेशन रिवर्सिबल नहीं है, तो इसको हटा दें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन ये है, HOCl इसी में ही है, ये रहा। एसिडिफाई द पूल, ये आपका आंसर है, क्योंकि एसिड डालने से OH कम हो जाएगा, OH कम हो जाएगा, एसिड डालने से H+ डालने से H+ OH से रिएक्ट करेगा और वाटर बनाएगा। OH कम हो जाएगा, H2O बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट पे चला जाएगा और HOCl बनेगा, ये आंसर है। क्लोराइड आंसर ही नहीं हो सकता, वो इस इक्वेशन का पार्ट ही नहीं है। हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाने का मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाए। ऑक्सीजन एयर कहीं पार्ट ही नहीं इक्वेशन का, ठीक है। क्लास कोई समझ में आई, क्लियर है? जी कोई और सवाल किसी बच्चे का? कोई और सवाल किसी का? जरा वन बाय वन पूछ लें। आफिया जफर चैट में लिख के बताएं आपका कोई सवाल है, नहीं है तो बताएं। अबीहा तारिक, अरहम बेग, फाइका, फला, हमना, हमजा, मारिया हमेद, मुदस्सिर, मोहम्मद तस्मीर, जयान सुहेल, राहील अली, साद अहमद, ताबिश और समीर अहमद, सब लोग जरा बताएं कि कोई सवाल है आपका, नहीं है, नहीं है तो नो लिखें। अच्छा भाई, किसी का कोई सवाल नहीं है सिवाय जयान भाई के, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है लीचर क्लियर का। ये बेटा मैंने आपको क्लास में बता दिया था, आपने क्लास में क्वेश्चन मेरे साथ किया था, आप शायद भूल गए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक तो थर्मल एक्सपेंशन होती है, कोई भी गैस हीट की वजह से एक्सपेंड होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और उस वजह से इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो दो आंसर है, तो एक तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो रहा है, राइट पे एंडोथर्मिक साइड है, ये साइड एंडोथर्मिक है, तो यहाँ दो मोल है, यहाँ एक मोल है, तो मोल बढ़ जाने से यहाँ 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम होगी गैस की, यहाँ 48 डीएम क्यूब होगी, एक तो राइट पे शिफ्ट होने से और एक थर्मल इक्विलिब्रियम, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बोथ बिकॉज़ ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड आल्सो थर्मल एक्सपेंशन। ये मैंने क्लास में करवाया था ध्यान भाई। अच्छा फला, ये जो केसी के क्वेश्चन है ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि बाकी बच्चों ने अभी केसी के एमसीक्यूज नहीं किए हुए, मैं इनको ये वीकेंड दूंगा कि वो केसी के कर लें ताकि सब साथ चलें। तो फला आपका कोई ली चटले का सवाल है तो पूछ लें। अब आप सब लोग ये कर लें कि केसी के सवालात जो है वो एमसीक्यूज कर लें और थ्योरी पूरा कर लें, बाकी कल जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आपको केपी पढ़ाऊंगा, ठीक है। केसी के क्वेश्चंस आप सारे कर लें, ये जो सवाल है ना केपी छोड़ दें, केपी नहीं किया, केसी के जो क्वेश्चन है 24 क्वेश्चंस, ये सारे आप लोग कर लें। इसमें से जो प्रॉब्लम्स होंगी ये हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे बाद में, सही है। चलें आज की क्लास पे यहीं तय रखेंगे हम, बाकी कल आएंगे तो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कुछ जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो रुके हैं, बाकी साइन आउट कर सकते हैं बच्चे। जी खलास भाई बोले।
सर एक बात बताएं, केसी इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है? वो आपने ये बताई थी ना, वो एक्स्ट्रा ग्राफ में बात, वो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर, वो वाली बात। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझा नहीं सवाल। मतलब सर आपने बताया था ना केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो आंसर 1 से बड़ा आता है, वो बात समझा देंगे। समझना क्या है भाई, प्रोडक्ट ज्यादा, अबे भाई 2/1 करोगे और 1/2 करोगे तो आंसर में क्या फर्क आएगा, या 5/3 करोगे और 3/5 करोगे तो क्या फर्क आएगा? ये वाला जो होगा ये फ्रैक्शन आएगा, ये 1 से छोटा आंसर होगा जो मैंने सर्कल किया है। सिंपल मैथ है ना। इखलास भाई जी सर, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर 1 से बड़ा होता है? नहीं, 1 से छोटा होता है, यही बताया था। कोई और बात किसी स्टूडेंट ने पूछनी हो? चलें फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।